कर दोस्तों, स्टडी विद नवीन चौधरी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और मैं आप लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूँ जो कि आधुनिक भारत के इतिहास से है। और भारत के सभी गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय आदि सभी के सभी इसके अंतर्गत पूरे किए जाएंगे। कौन कौन कैसे कैसे आया यहाँ पे, कुछ ऐसे गवर्नर्स का भी नाम मैं आज बताने वाला हूँ जिन लोगों को आपने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। और ये जितने भी एग्ज़ाम हैं, दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, चाहे कोई पीसीएस लेवल तक का एग्ज़ाम हो और चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, आपको इससे संबंधित पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आपको भारत का आधुनिक इतिहास समझ आ सकता है, ठीक है। क्योंकि इनका बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल है। भारत का आधुनिक इतिहास ही अंग्रेज़ों से शुरू होता है, ये समझ लीजिए आप एक तरह से। तो आज हम बात करेंगे गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में। इससे पहले मेरा आप लोगों को मैसेज है कि प्लीज़ हमें जीवन में वृक्षारोपण जरूर करना चाहिए। तो हर इंसान एक पौधा, एक पेड़ जरूर लगाए, ये हमारी ड्यूटी है, ठीक है। अब बात करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है हमारा गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय और इसकी अधिक जानकारी जो भी कुछ है। तो इसके अंतर्गत अगर मैं बात करूँ गवर्नर की, तो जब प्लासी युद्ध हुआ और प्लासी युद्ध के बाद कंपनी का शासन हुआ, तो कंपनी ने सबसे पहले बंगाल पर शासन किया। तो जब बंगाल पर शासन किया तो उस वक्त जो युद्ध हुआ प्लासी का, वो क्लाइव ने लड़ा। अब क्लाइव ही जीता। जब क्लाइव युद्ध जीत गया तो क्लाइव को ही सबसे पहला बंगाल का गवर्नर बनाया गया। पर हम ये ज़रूर यहाँ पता करना चाहेंगे कि क्या डिफरेंस है कि पहले गवर्नर था ये क्या था, उसके बाद गवर्नर जनरल था वो क्या था, उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल और फिर वायसराय और फिर से गवर्नर जनरल, है ना। तो आपको बता दूं कि सबसे पहले गवर्नर बना, जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि प्लासी के युद्ध के बाद कंपनी का कार्य देखने के लिए क्लाइव जो था उसे ही गवर्नर बना दिया गया। उपहार स्वरूप उसे यहाँ की गवर्नर पद मिला बंगाल का, तो बंगाल का गवर्नर हुआ। उसके बाद मुंबई उन्हें दहेज में मिल गई, ठीक है, और एक प्रेसिडेंसी मद्रास थी और एक कलकत्ता। जब तीन प्रेसिडेंसियाँ हो गई तो कुछ समय के बाद बनाया गया, जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उसे उन्हें बना दिया गया गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल क्या था कि तीनों प्रेसिडेंसियों के ऊपर, हर प्रेसिडेंसी पे एक गवर्नर था और उन सब के ऊपर गवर्नर जनरल हुआ करता था। तीनों प्रेसिडेंसी के ऊपर जो हेड था वो था गवर्नर जनरल। उसके बाद नंबर आया भारत का गवर्नर जनरल। जब अधिक क्षेत्र हो गया, बड़ा हो गया, बहुत सारी प्रेसिडेंसियाँ हो गई और देश के अलग अलग हिस्सों में, तो सभी प्रेसिडेंसियों के ऊपर जो बनाया गया उसे बनाया गया भारत का गवर्नर जनरल। और भारत का गवर्नर जनरल कुछ समय के बाद बना, जब 1857 की क्रांति हो गई और रेगुलेटिंग एक्ट्स सारे के सारे समाप्त हुए और कंपनी का शासन ख़त्म करके जब क्राउन का शासन आया तो वहाँ से बनाया गया वायसराय। वायसराय क्या होता था? वायसराय होता था राजा का प्रतिनिधि, जो भी उस वक्त राजा है या रानी है इंग्लैंड का, उसके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता था वायसराय। वैसे आपको एक जनरल बात बताऊँ कि गवर्नर जनरल और वायसराय एक ही बात थे। जब वह अपनी शासन को डिनोट करता था तो तब तो होता था वो गवर्नर जनरल, और जब वह किसी राजा से मिलने जाता था किसी पद के तौर पे किसी से, तब वह होता बन के जाता था वायसराय, यानी कि रानी या राजा का प्रतिनिधि उस वक्त। अब ये वायसराय ही बाद में फिर से पद खत्म करके जो है गवर्नर जनरल कर दिया गया। यही डिफरेंस है गवर्नर, बंगाल का गवर्नर, गवर्नर जनरल और भारत का गवर्नर जनरल में और उसके बाद वायसराय में, ठीक है। तो आगे हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो क्या कहती है? टॉपिक्स हमारा ये बोल रहा है कि जब प्लासी के युद्ध के पश्चात भारत में कंपनी की व्यवस्था देखने के लिए गवर्नरों की शुरुआत हुई, इस युद्ध की जीत का सेहरा क्लाइव के सर बांधा गया और इसकी भेंट स्वरूप उसे बंगाल का गवर्नर बनाया गया। तो सबसे पहला गवर्नर किसे बनाया गया? क्लाइव को। इसके बाद ये सिलसिला करीब 200 साल तक चलता रहा और लगातार कभी गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय यहाँ पे आते रहे कंपनी का कार्य देखने के लिए। और यहाँ पर हम भारत में कंपनी और बाद के सरकार के द्वारा नियुक्त गवर्नर, उनका कार्यकाल और उनके द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों का वर्णन कर रहे हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आपने ऐसे जो इसमें कुछ गवर्नर सब लोग नहीं पढ़ाते हैं, मैंने उनको भी इसमें बताया है कि कुछ लोग बीच में भी आए थे और उन लोगों ने भी कुछ काम किया था, उसके बाद क्या क्या हुआ, सारी व्यवस्थाएँ सारी कुछ सारा कुछ बताएंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो सबसे पहले जो गवर्नर बनाया गया वो बनाया गया क्लाइव को, और क्लाइव जो गवर्नर रहा वो 1757 से 1760 तक रहा क्लाइव गवर्नर, ठीक है। उसके बाद इसमें साफ लिखा हुआ है कि कंपनी द्वारा नियुक्त यह प्रथम गवर्नर था,
अब अगर इसके बीच की बात करूं तो 60 के बाद ये चला गया वापस, और 60 के बाद जब ये वापस ब्रिटेन चला गया तो उस बीच में एक और गवर्नर आया जिसका नाम था वेंसीटाट। कहने का मतलब, एक सवाल आता है कि बक्सर के युद्ध के समय भारत में बंगाल का गवर्नर कौन था, तो इस बात को याद रखिएगा कि वेंसीटाट जो था बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर था कौन, वेंसीटाट। ये आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, प्लीज़ इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन अभी, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया आज तक, आप कोई भी पेपर उठा लीजिए, क्वेश्चन मैंने भी कहीं नहीं देखा है कि बंगाल के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था। तो वेंसीटाट उस वक्त गवर्नर था बंगाल का, जो कि 1760 से 1765 तक रहा। उसके बाद ही अधिकार नहीं कर पाया, तो 1765 में दोबारा से क्लाइव को बुलाया गया बंगाल का गवर्नर। और जब दोबारा से क्लाइव को बुलाया गया तो क्लाइव रहा 1765 से 67 तक। उसके बाद की बात करूं तो 1765 में बंगाल में द्वैध शासन लागू किया, जो कि वॉरेन हस्टिंग्स ने बाद में ख़त्म कर दिया था 1772 में। और बक्सर के युद्ध में प्राप्त हो गई जब विजय, तो उसके बाद मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से 1765 में इलाहाबाद की संधि द्वारा बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की। दीवानी का मतलब ये था कि अंग्रेज किसी भी तरह से शासन हाथ में नहीं लेना चाहते थे, केवल राजस्व लेना चाहते थे। उसका क्या कारण था? प्रशासन आप ही चलाओ, सरदर्दी काम आप करो, पैसे की बात हम देखेंगे, पैसा हम सुरक्षित रखेंगे। तो इस कारण से क्लाइव ने ये कार्य किया था। अब आगे की बात करूं तो 1766 में मुंगेर और इलाहाबाद में एक विद्रोह हो गया, जो कि श्वेत अधिकारियों द्वारा, कहने का मतलब अंग्रेजों के समय का अंग्रेज अधिकारियों के बीच में एक विद्रोह हुआ, वो भी क्लाइव के समय पे हुआ, जब क्लाइव दोबारा आया शासन, मतलब भारत का गवर्नर बन के। और क्लाइव ने इंग्लैंड जा कर के आत्महत्या की। ये सवाल आ सकता है, कौन सा गवर्नर रहा जिसने जा कर के आत्महत्या कर ली, इसका क्या कारण था? ये था कि लॉर्ड क्लाइव ने जो आत्महत्या की वो इसलिए की क्योंकि इसके ऊपर एक आरोप लगा कि इसने मतलब रिश्वत ली है, और इसकी जो प्रॉपर्टी, जो संपत्ति है वो रिश्वत के कारण है इतनी, जबकि बाद में इसे बरी कर दिया गया, लेकिन आत्मग्लानि हुई और इस कारण से इसने आत्महत्या कर ली। जबकि अगर कहें तो ब्रिटिश राज्य के संस्थापक के रूप में जो क्लाइव का योगदान है वो विस्मृत नहीं किया जा सकता। और उसने क्या काम किया कि जो कंपनी के कार्यकर्ता थे उनके लिए एक सोसाइटी ऑफ ट्रेड नाम से एक ग्रुप बनाया, और उसे एक एकाधिकार दिया नमक, सुपारी और तंबाकू के व्यापार का। प्लस वो क्या काम करता था, निकाय, वो सभी के माल को नकद खरीदता था और निश्चित केंद्रों पर जाकर फुटकर में बेचता था, और इस कारण से जो है उसे बहुत अधिक मुनाफा होता था। फिर फरवरी 1767 में क्लाइव को वापस इंग्लैंड गया, और वहाँ पे जाकर के फिर इसने मतलब इसके ऊपर केस चला, और ये बाद में बरी भी कर दिया गया, और फिर इसने आत्महत्या कर ली। ठीक है, ये था क्लाइव के बारे में, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। इसका कारण था कि क्लाइव जो था ना, एक बहुत ही छोटे पद से और इतने बड़े पद तक पहुंचा था, और स्वामी भक्त था कंपनी का पूरी तरह से। तो एक अधिकारी होने के बावजूद इसके ऊपर एक आरोप लगाया गया, जी वापस गया तो इसके ऊपर आरोप लगाया गया एक लखनऊ के जो उस वक्त के नवाब थे उनकी बेगम से रिश्वत लेने का आरोप इन पे लगा था, और इस कारण से जो वापस इंग्लैंड पहुँचे तो इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। लेकिन हुआ ये कि उससे पहले इन्होंने यहीं पे उस पूरे हिसाब किताब को, जो कुछ इनके ऊपर लगाया गया था सारा कुछ, जिसने इनके ऊपर मुकदमा किया था उसे इन्होंने मरवा भी दिया था बाद में, मतलब ज़बरदस्ती उसके खिलाफ़ केस चला के उसे जान से मरवा दिया था ओवरऑल। लेकिन जब वापस पहुँचे और इनके ऊपर मुकदमा चला, बाद में इन्हें बरी भी कर दिया गया, लेकिन इनका स्वाभिमान इन्हें जीने नहीं दे रहा था, और इन्होंने सुसाइड कर लिया, अपने आप को गोली मार लिया और आत्महत्या कर ली। ठीक है, अब बात करते हैं वेंसी, जब क्लाइव चले गए, वेंसीटाट को मैं आपको बता चुका हूँ, तो इसके बाद क्लाइव के बाद एक और गवर्नर आया जिसका नाम था वेरेलस्ट। और जो वेरेलस्ट था वो रहा 1776 से, सॉरी 1767 से 1769 तक। ठीक है, और जिस समय द्वैध शासन लगा हुआ था, जो कि क्लाइव लग गया था, तो द्वैध शासन लगने के बाद बंगाल का गवर्नर वेरेलस्ट ही था। द्वैध शासन का मतलब ये था कि अप्रत्यक्ष रूप से
अंग्रेज सभी जितने भी उस समय के राजा थे, रजवाड़े थे या लोकल राजा थे, उन सब का काम जो देखेगी वो अंग्रेज देखेंगे, अंग्रेज कंपनी देखेगी। अंग्रेजों की एक टुकड़ी रखनी होती थी, उसका खर्चा सारा का सारा वो राजा लोग व्यय करते थे। और राजाओं को बड़ा अच्छा लगा कि सेनानी रखनी पड़ेगी, रख रखाव नहीं देखना पड़ेगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें गुलाम बनाया जा रहा है। तो ये था द्वैध शासन, वो करता राजा था और करवाया जाता था अंग्रेजों के द्वारा, कठपुतली की तरह काम करते थे उस वक्त के राजा। फिर नेक्स्ट आया कर्टियर, जो कि 1769 से और 1772 तक रहा, और भारत का प्रथम अकाल अगर बात करूँ तो कर्टियर के समय पे ही भारत में प्रथम अकाल पड़ा 1770 में। ठीक है, अब आगे इसके बाद एक महत्वपूर्ण गवर्नर आया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण गवर्नर था। इसे कहा, इसका नाम है वॉरन हेस्टिंग्स। आप सभी को इसके बारे में पता होगा, आप सभी परिचित हैं, क्योंकि इस बीच में जितने भी तीन गवर्नर थे आप इन्हें नहीं जानते थे, ये बताने ज़रूरी थे इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो वॉरन हेस्टिंग्स आया, और वॉरन हेस्टिंग्स 1772 से 74 तक रहा, 2 साल, और यह बंगाल का अंतिम गवर्नर था, क्योंकि इसके बाद गवर्नर बनने बंद हो गए और गवर्नर जनरल बनने शुरू हो गए। 1772 में जैसे ही गवर्नर आया तो इन्होंने सबसे पहले क्या कार्य किया, इन्होंने द्वैध शासन समाप्त किया यहाँ से। ठीक है, क्या किया, द्वैध शासन समाप्त किया भारत में। और आगे की बात करूं तो इसने बंगाल का द्वैध शासन समाप्त किया और बंगाल का अंतिम गवर्नर था। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि बंगाल के गवर्नर जनरल कौन बने, क्योंकि हुआ ऐसा कि इस वक्त जब ये गवर्नर था तो इन्होंने क्या काम किया, अंग्रेज़ों से ना वापस, मतलब ब्रिटेन की संसद से इन्होंने लोन मांगा कि भैया कंपनी को घाटा हो रहा है, हमें लोन चाहिए। अब जब ये पता लगा संसद को, क्योंकि ये लोग तो एक मैग्ना, मतलब एक प्रपत्र लेके आए थे ना यहाँ पे, केवल ये करने के लिए कि यहाँ पे शासन करना है इन लोगों को, और इसका केवल एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए थे, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कंपनी थी ना। तो और जब देखें कि कंपनी का लेजर देखें तो कंपनी घाटे में है, और जो कंपनी के अधिकारी यहाँ से जाते थे वो लोग खूब मोटा माल कमा के जाते थे। तो अब इंग्लैंड की संसद को ये शक हुआ कि क्या किया जाए ऐसा के सारी व्यवस्था सही हो सके। तो 1773 में ब्रिटेन की एक संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। मैंने सारे के सारे एक्ट्स कराए हैं, आप कहेंगे तो मैं इनका, इसके मतलब डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक डाल दूंगा, अगर आप एक बार सारे एक्ट पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा किस वक्त क्या क्या कैसे कैसे हुआ। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो अगला आया वो वॉरन हेस्टिंग ही दोबारा से गवर्नर जनरल बनाया गया, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। क्योंकि पूछने लगे भारत में बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर था वॉरन हेस्टिंग। ठीक है, और प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो प्रथम गवर्नर जनरल भी था वॉरन हेस्टिंग। सही है, अब इसने क्या किया भैया, तो इसने क्या किया, 1772 में राजस्व बोर्ड का गठन किया, और उसने जितना भी कोष था उसको मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ले आया। दूसरा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। 73 का एक्ट था, 74 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, याद रखिएगा। इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे इम्पे थे, इनका नाम था सर एलिजा इम्पे, और तीन अन्य न्यायाधीश चेम्बर्स, लिमिंस्टर और हाइट। इन चारों का नाम जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि पूछा जाता है कि जो प्रथम कलकत्ता में उच्च न्यायालय बनाया गया सुप्रीम कोर्ट, उसमें न्यायाधीश कौन कौन थे, तो मुख्य न्यायाधीश का नाम जरूर याद कीजिएगा, लेकिन ये कभी कभार मिलान में आ जाता है कि इनमें से कौन से न्यायाधीश कलकत्ता कोर्ट के न्यायाधीश नहीं थे, तो चैम्बर, लिमिंस्टर, हाइट और चौथे इम्पे, चार लोगों के नाम जरूर याद रखिएगा। उसके बाद अवध में नवाब सिराजुद्दौला से 1774 में बनारस की संधि की, किसने, वॉरन हेस्टिंग ने। नेक्स्ट क्या किया इसने, फैजाबाद की संधि की 1775 में। अब इसके तहत अवध की बेगम की संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी दी, और इसी के तहत बनारस पर अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली गई। अब विलियम जोन्स ने कलकत्ता में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की है। उसके बाद क्या हुआ कि एक नंद कुमार नाम के व्यक्ति हुए, उन्होंने वॉरन हॉस्टिंग्स के ऊपर ना मुकदमा कर दिया कलकत्ता उच्च न्यायालय में। और क्या मुकदमा किया,
कि जो मीर जाफर की विधवा थी मुन्नी बेगम, उनसे ना 3.5 लाख रुपए घूस लिया इन्होंने। और ये मुकदमा जब उन्होंने कर दिया तो बाद में इम्पे की मदद से उसे फांसी लगवा दी गई। किसको? नंद कुमार को। किसके द्वारा? जो वॉरन हेस्टिंग है इसके द्वारा। और अगर बात करें तो एक सवाल पूछा जाता है कि किस घटना को न्यायिक हत्या की संज्ञा दी जाती है, तो इस मुकदमे को न्यायिक हत्या की संज्ञा दी जाती है। प्लीज़ लिख लीजिएगा कि 1775 में नंद कुमार पर अभियोग चलाया गया, इन्होंने वॉरन हेस्टिंग के खिलाफ मीर जाफर की बेगम से घूस लेने का आरोप लगाया था और इन्हें उल्टा फंसा करके वॉरन हेस्टिंग ने फांसी लगवा दी। इसी पूरे प्रक्रिया को न्यायिक हत्या की संज्ञा दी गई है कि न्याय की हत्या की गई है इसमें। नेक्स्ट, यह एकमात्र भारत का गवर्नर जनरल था जिस पर 1788 से 1795 तक महाभियोग का मुकदमा चला। पूछा जाता है ऐसा कौन सा गवर्नर था जिसके वापस जाने पर उस पर महाभियोग चलाया गया, तो यह महाभियोग चलाया गया लॉर्ड वॉरन हेस्टिंग्स पर, ठीक है। परंतु संसद ने उसे लास्ट में सभी दोषों से मुक्त कर दिया और आगे इसके बाद जो उनका उत्तराधिकारी आया वो आया लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस जब आए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93 तक रहे और इन्होंने क्या काम किया कि भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। प्रारंभ में परीक्षा की आयु 23 वर्ष थी और भारत में पुलिस सेवा का जन्मदाता भी नहीं कहा जाता है। दरअसल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ना बहुत सारे कार्य किए जो बहुत महत्वपूर्ण थे, बहुत अच्छे थे। बाकी आप लोगों के लिए नहीं कर रहे थे, इसमें खुश होने की आवश्यकता नहीं है कि कुछ आप लोगों के लिए कर रहे थे, वो लोग कर रहे थे सब कुछ अपने लिए कि उनकी अपनी व्यवस्थाओं को सही से रखा जा सके। क्या किया इन्होंने कि इन्होंने दासों के व्यापार पर रोक लगा दी। दूसरा, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया। स्थायी बंदोबस्त लागू करने का मेन कारण था कि जो राजस्व इकट्ठा हो वो सीधा का सीधा कंपनी के खाते में है, राजस्व खुद इकट्ठा करे कंपनी। आप विश्वास नहीं करेंगे कि एक राजस्व के उसमें एक योजना चलाई सूरज वाली, मतलब कि सूरज डूबने तक अगर आपने राजस्व जमा कर दिया तो ठीक है, अन्यथा आपका जो जमींदारी किसी और को दे दी जाएगी। ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं शुरू की इन्होंने। आगे क्या है कि कॉर्नवालिस संहिता द्वारा इन्होंने कर तथा न्याय प्रशासन को अलग अलग किया। कर अलग हो गया और न्याय प्रशासन अलग हो गया। और कॉर्नवालिस एकमात्र ब्रिटिश गवर्नर जनरल था जिसकी समाधि भारत में गाजीपुर में ही स्थित है। इनकी मृत्यु यहीं पे हुई। किसकी? कॉर्नवालिस की। आगे शुरू करते हैं, इसके बाद आए सर जॉन शोर। तो सर जॉन शोर जो आए, ये आए 1793 से लेके 1798 तक इन्होंने कार्य किए यहाँ पे। और इसने मैसूर के प्रति अहस्तक्षेप की नीति रखी। मैसूर से ये दूर रहा, इसे कोई मतलब नहीं रहा। दूसरा, इसी ने जमींदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी माना। इन्होंने इसने क्या काम किया, जमींदारी व्यवस्था एक तरह से शुरू की और जमींदारों को बोल दिया कि आप कर उघा करके दोगे। इसके बाद आए लॉर्ड वेलेजली। और लॉर्ड वेलेजली ने क्या किया कि भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता साबित करने के लिए, फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने के उद्देश्य से इसने सहायक संधि प्रणाली शुरू की। और सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों के जो क्रम थे, ये सवाल आता है, क्रम पूछे जाते हैं, प्लीज़ इन्हें जरूर जरूर कर ले। अभी अगर आप चेक करेंगे तो अभी आरओ का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कौन सा ऐसा राज्य था जिसने सहायक संधि सर्वप्रथम स्वीकार की या सबसे बाद में। इसी तरह से क्वेश्चन आया हुआ था अभी अभी। तो इसमें जो शुरू करें तो सबसे पहले हैदराबाद, ठीक है, सबसे पहले जो शुरुआत की इन्होंने की हैदराबाद से। हैदराबाद के निजाम ने 1798 में सहायक संधि, उसके बाद मैसूर तंजौर, उसके बाद अवध, फिर पेशवाओं ने, फिर भोसले, फिर सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, बूंदी, भरतपुर और मछेड़ी। ये सीक्वेंस है, प्लीज़ आप इसे ज़रूर लिख लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्रम लगाने के जितने भी क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन आते हैं उनमें ये पूछा जाता है। क्रोनोलॉजिकल का मतलब है क्रम व्यवस्था, सही है। आगे शुरू करते हैं, आगे इसमें हुआ क्या कि इसके बाद जो इनके उत्तराधिकारी आए वो है सर जॉर्ज बॉर्लो। और इन्होंने भी अहस्तक्षेप की नीति का पालन किया और मराठों के प्रति शांतिपूर्ण नीति अपनाई। इन्होंने कोई ज़्यादा काम नहीं किया। उसके बाद आए लॉर्ड मिंटो 1807 से 1813 तक, और 1809 में चार्ल्स मेटकाफ और रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि हुई 1809 में। चार्ल्स मेटकाफ उस वक्त गवर्नर कौन हुआ था, लॉर्ड मिंटो होते थे, ठीक है।
मतलब भारत के गवर्नर, क्योंकि जो सूची चल रही है अगर आपको याद हो तो ये चल रही है बंगाल के गवर्नर जनरल्स की, सॉरी भारत के नहीं, बंगाल के गवर्नर जनरल्स की। तो बंगाल के गवर्नर जनरल में जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड मिंटो थे, जब मेटकाफ और रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि हुई। नेक्स्ट था लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, इसने हस्तक्षेप की नीति का परित्याग कर दिया। इसने क्या कर्म, किसने कहा ऐसा कुछ नहीं है, और ब्रिटिश प्रभुसत्ता को स्थापित किया। और इसके समय पे आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ, ये विशेष है, याद रख लीजिएगा। संगोली की संधि, आंग्ल नेपाल युद्ध। संगोली जो है वो भारत के नॉर्थ ईस्ट एरिया में है, तो प्लीज़ इसे याद रखिएगा। पूछा जाता है आंग्ल नेपाल युद्ध, तो संगोली की संधि से ये समाप्त हुआ, ठीक है। और 1814 से 1816 में युद्ध हुआ, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा ज़रूर। उसके बाद क्या है, इसने पिंडारियों का दमन किया। थॉमस हिसलॉप का नाम आता है इसके अंतर्गत। अगर पूछे कि पिंडारियों के दमन करते वक्त यहाँ पे बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स था। और किसकी मदद से किया, तो थॉमस हिसलॉप का नाम आता है, याद रखिएगा। आगे इसने मराठा संघ का अंत कर बाजीराव को गद्दी से उतार कर अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना दिया, ठीक है। ये किया किसने, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। इसके बाद आए लॉर्ड एडम्स, और इन्होंने 1823 में आए, या 1823 में ही रहे बस। और यह दूसरा स्थानापन्न गवर्नर था। स्थानापन्न का मतलब होता है कि जिसको बोलते हैं, मान लीजिए कि कोई गवर्नर जनरल मर जाए या उसे गद्दी छोड़नी पड़े किसी कारणवश, तो उसे टेम्पररी गवर्नर बनाया जाता है ना, को गवर्नर एक तरह से, या उपराज्यपाल समझ लीजिए। जैसे कि अगर बात करूं कि अगर राष्ट्रपति की सीट खाली हो तो उसके जगह पे ना एक राष्ट्रपति बिठाया जाता है जब तक कि नया चुनाव ना हो, क्योंकि किसी गद्दी को खाली नहीं रखा जा सकता। तो लॉर्ड एडम जो हैं ये दूसरे थे, और इसके समय पर प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया, याद रखिएगा, लॉर्ड एडम। नेक्स्ट है लॉर्ड एमहर्स्ट। ये मुगल शासक अकबर द्वितीय से बराबरी के स्तर में मिलने वाला पहला गवर्नर जनरल था। ऐसा था कि जब ये मिलने गया, क्या बोलते हैं, अकबर द्वितीय से, तो जब अकबर द्वितीय जिस जगह पे बैठा हुआ था उसने अपनी गद्दी के बराबर में ही इनकी एक गद्दी, इनकी कुर्सी डलवाई थी, तो इसलिए आता है कि लॉर्ड एमहर्स्ट पहला ऐसा गवर्नर जनरल था जो मुगल जो शासक थे उनके बराबर में बैठा। नेक्स्ट, इसी ने प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा 1824 से 1826 में, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 1824 से 1826 में लड़ा गया है। इसी के समय में 1824 में बैरकपुर छावनी में विद्रोह हुआ, इम्पॉर्टेंट है, बैरकपुर छावनी में विद्रोह हुआ, और सैनिकों ने बर्मा जाकर युद्ध करने से मना कर दिया, क्योंकि दरअसल ऐसा था, दो व्यवस्थाएं थी यहाँ पे। भारत देश में समुद्र के पार जाना जो है वो हिंदू धर्म के अनुसार गलत था, इसीलिए जो सैनिक थे उन्होंने मना कर दिया कि हम समुद्र पार नहीं जाएंगे। इस कारण से उन्होंने जब मना कर दिया तो विद्रोह हो गया बैरकपुर में। इसके बाद और क्या था, और इन्होंने ना पहनावे पर थोड़ा सा रोक लगा दी। क्या रोक लगा दी, कि जी कड़ा नहीं पहनोगे, जो सरदार थे वो पगड़ी नहीं पहनेंगे, या वेशभूषा ऐसी पहननी पड़ेगी। तो इस कारण से ना एक तरह से लोगों में ना धार्मिक रोष उत्पन्न हुआ, सब लोग अपने अपने धर्म को लेकर के लड़े। अगर बात कहूँ मंगल पांडे की, तो मंगल पांडे किसी स्वतंत्रता संग्राम के नहीं लड़ रहा था, मंगल पांडे लड़ रहा था, पंडित था, और पंडित होने के बावजूद उसका धर्म भ्रष्ट हुआ था, धर्म के लिए लड़ रहा था, क्योंकि उसे चर्बी युक्त कारतूस मुंह से काटने पड़ते थे। मुसलमान सैनिक भी इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि चर्बी युक्त कारतूसों में बताया गया कि सूअर की और गाय की चर्बी थी। तो सभी के सभी किसी स्वतंत्रता संग्राम के लिए नहीं लड़ रहे थे, अगर कायदे की बात की जाए, वो लड़ रहे थे धर्म के लिए। अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि इसके समय में 1824 में बैरकपुर छावनी में सैनिक विद्रोह हुआ, क्योंकि भारतीय सैनिकों ने बर्मा जाकर युद्ध करने से मना कर दिया, क्योंकि समुद्र की यात्रा करना धर्म विरुद्ध माना था। नेक्स्ट आए, इसके बाद आए विलियम बेंटिक्स। अब विलियम बेंटिक्स का जो कार्यकाल रहा वो 1828 से 1835 तक रहा, और भारत का गवर्नर जनरल बनने से पूर्व 1803 में इसे मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया था। यह कट्टर उदारवादी प्रशासक था। इसका कार्यकाल विभिन्न सामाजिक सुधारों के लिए जाना जाता है। इसी ने सर्वप्रथम संभागीय आयुक्तों की नियुक्ति की, ठीक है, रीजनल, संभागीय मतलब रीजनल या जोनल समझ लीजिए, इंग्लिश में जोनल बोलते हैं इसको, नियुक्ति कर दी।
दूसरा क्या, इसने सैनिकों को माथे पर जातीय चिन्ह लगाने और कानों में बालियां पहनने से मना किया। देखिए आ रही है ना वही बात जो मैं भी पहले बता रहा था कि कोई बालियां नहीं पहनेगा, माथे पर चिन्ह नहीं लगाएगा। इसने ऐसा उन जातीय भेदभाव खत्म करने को उद्देश्य उसने किया, तो इसलिए था कि जातीय भेदभाव खत्म हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम नहीं रहेंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। 1829 के नियम 17 के तहत इसने सती प्रथा को समाप्त किया। क्वेश्चन आता है कि सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त किया, याद रखिएगा इसे। दूसरा क्या किया, इसने ठगी प्रथा को समाप्त किया। यहाँ पे सवाल आता है, कर्नल सलीमैन को नियुक्त किया था ठगी प्रथा को, ठगों ने बहुत आतंक मचाया हुआ था और ठग लूटते थे और मार देते थे, तो करीब 3 से 4 साल का समय लगा इन्हें पूरी ठगी प्रथा खत्म करने में, बल्कि और भी समय लगा। तो अगर देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो 1830 में इस प्रथा का अंत कर दिया गया, 1830 तक करीब, और ये कब आए थे, आए थे 1828 में, तो 30 तक तो नहीं इसमें बल्कि समय और अधिक लगा था वैसे, पर कर्नल सलीमैन को नियुक्त किया गया था। सवाल आता है कि किसको नियुक्त किया गया था ठगी प्रथा समाप्त करने के लिए, तो इसमें आंसर आएगा कर्नल सलीमैन को नियुक्त किया गया था ठगी प्रथा समाप्त करने के लिए, ठीक है। अगला क्या है के 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 87 के तहत अब जाति, धर्म, रंग, जन्मस्थान इत्यादि के आधार पर किसी को पद से वंचित नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब सेकुलरिज्म की स्थापना होने शुरू हो गई थी कि सब लोग सेकुलर रहें तो अच्छा रहेगा। अगला क्या है कि 7 मार्च 1835 के एक प्रस्ताव के बाद अंग्रेजों को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। किसे, अंग्रेजी को, कि अंग्रेजी उच्च शिक्षा, जितनी भी उच्च शिक्षा ली जाएगी वो अंग्रेजी में ही लेनी पड़ेगी। इसीलिए 1835 में एक मेडिकल कॉलेज की नींव भी रखी गई, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेडिकल कॉलेज कब खोला गया, तो 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई, सही है। इसके बाद नेक्स्ट जो आए हुआ है चार्ल्स मेटकाफ। चार्ल्स मेटकाफ 1835 से 1836 तक गवर्नर जनरल रहे, और इसने समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटा दिया, इसी के कारण इसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। सवाल आता है कि समाचारों का मुक्तिदाता या प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स मेटकाफ को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आए ऑकलैंड। ऑकलैंड ने क्या किया, इसके समय में ना प्रथम आंग्ल अफगान, आंग्ल का मतलब था अंग्रेज, अफगान का मतलब अफगानिस्तान, अफगानी लोगों से साथ सबसे पहला युद्ध हुआ, और इसमें अंग्रेजों को भारी क्षति हुई, जबकि अंग्रेज जीत गए ऐसा नहीं था कि नहीं जीते, और क्षति के बाद जब संधि हुई तो संधि के बदले इन्होंने जितनी इनकी क्षति हुई थी वो, और उसमें जितना इन्हें पैसा चाहिए था वो सब कुछ इन्होंने लिया अफगानों से। अफगानिस्तान का भगोड़ा शासक शाह शुजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य एक त्रिपक्षीय संधि हुई, देखा मैं कह रहा था ना। और इसी के समय में शेर शाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर ग्रैंड ट्रंक रोड रखा गया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड ऑकलैंड के समय पर शेरशाह सूरी की जो मार्ग था, शेरशाह सूरी मार्ग, उसका नाम रखा गया जीटी रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड। प्लीज़ इसे याद करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आए लॉर्ड एलनबरो, और लॉर्ड एलनबरो का जो समय रहा वो 1842 से 1844 रहा, और इन्होंने 1843 के अधिनियम 5 के द्वारा दास प्रथा का अंत किया है। दूसरा 1843 में सिंध का विलय किया है, मतलब दो कार्य इनके प्रमुख रहे हैं, कि एक तो दास प्रथा का अंत किया है, दूसरा इन्होंने सिंध का, सिंध प्रांत का विलय किया है अंग्रेजी शासन में। नेक्स्ट पॉइंट है कि लॉर्ड हार्डिंग नेक्स्ट आए। अब जैसा कि मैं आपको बता दूँ लॉर्ड्स क्या है, तो मैंने पहले कई बार बताया है कि दरअसल ना इंग्लैंड की जो संसद है उसमें ना दो तरह के सदन होते हैं, एक निम्न सदन, उच्च सदन। जैसे आपके भारत में निम्न सदन लोकसभा और राज्यसभा है ना, राज्यसभा अर्थात राजा का सदन, उच्च सदन लोकसभा अर्थात जनता का सदन, लोक माने जनता। इसी तरह से वहाँ पे दो सदन हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। जो हाउस ऑफ कॉमन्स है वो जनता का सदन है, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वो उच्च सदन है वहाँ का। तो वो जितने वहाँ पे काम करने वाले, जितने भी वहाँ के मनोनीत चयनित सदस्य होते हैं, वो सभी के सभी लॉर्ड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया, लॉर्ड कहलाते हैं। तो ये लॉर्ड हार्डिंग जो है ये उसी सदन का सदस्य था, ठीक है। जितने भी लॉर्ड हुए उस सदन के हुए हैं। तो लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल 1844 से 1848 रहा, और इनके समय पे मुख्य बात है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ और ये समाप्त हुआ लाहौर की संधि से, इसको याद रखना कंपलसरी याद रखिएगा। इन्होंने एक जनजाति है खौंड जनजाति, तो खौंड जनजाति में एक प्रथा थी नरबलि, और नरबलि दिया करते थे, इंसानों की बलि दिया करते थे, उसको समाप्त किया और कैंपबेल, कर्नल कैंपबेल को नियुक्त किया इसे समाप्त करने के लिए। जैसे ठगी प्रथा कर्नल सलीमैन द्वारा है ना, इसी तरह से ये भी कैंपबेल द्वारा इन्होंने इसे ख़त्म करवाया।
इसके बाद नेक्स्ट आया डलहौजी, और डलहौजी को मुझे लगता है कि आप सभी लोग ही जानते हैं, क्योंकि डलहौजी की हड़प नीति कौन नहीं जानता। तो डलहौजी के बारे में अगर बात करूँ तो लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक, याद ऐसे रखना है कि भारत देश 1947 में आज़ाद हुआ था, तो उससे करीब 100 साल पहले की बात करूं, मतलब 99 साल में होता है, पर 100 साल पहले की बात करूं तो 1847 आता, तो 1847 में 1848 में आ गया था ये, 1848 से 1856 तक। कहने का मतलब जोड़ के याद रखो, कहानी की तरफ याद रहेगा तो। और ये वैसे भी महत्वपूर्ण है, हड़प नीति वाला है, तो 47 से अगला साल 48 आता है, 48 से 100 साल पहले 1848 में डलहौजी था, क्योंकि 1947 में आप लोग आज़ाद हो गए थे वैसे भी, है ना। तो आगे शुरू करते हैं, डलहौजी ने क्या किया। डलहौजी ने भारत में राज्य हड़प नीति और भारत में रेल लाइन के लिए जाना जाता है, किसने रेल लाइन बिछाई और हड़प नीति की, और इसने ना कुछ नए राज्य मिलाए जो कि ब्रिटिश राज्य मिलाए, वो निम्नलिखित है, नीचे बता रहा हूँ कौन कौन से हैं। दरअसल अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि रेलवे लाइन इसने आप लोगों के लिए बिछाई थी, तो ज़्यादा खुशमत हुई, आप लोगों के लिए नहीं बिछाई थी, कि आप फर्स्ट एसी के डब्बे में बैठ के हवा खाते हुए जाएंगे। आपके जैसे मतलब हिंदुस्तानी लोगों को तो ना उतार और दिया जाता था नीचे, कि आप कौन है, कहाँ से आए, बैठो बाहर, उतरो नीचे, भागो यहाँ से। तो इसका काम ये था कि जो उसका व्यापार था उसकी रफ्तार को बढ़ाना, कच्चे माल को जल्द से जल्द पोर्ट पर पहुँचाया जा सके, और पोर्ट से आया हुआ जो बन के तैयार माल आया उसे जल्दी जल्दी भारत में वितरित किया जा सके, इसलिए इसने रेल लाइन बिछाई थी, ना कि भारतीय लोगों के मज़े के लिए। दूसरी बात बात करूं तो इसने हड़प नीति जो अपनाई उसके लिए इसने बहुत सारे नियम प्रावधान बना दिए। कहने का मतलब ये कि अंग्रेज़ों ने अगर कुछ भी किया तो अपने स्वार्थ के लिए किया था, ना कि आपके लिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारे लिए कुछ अच्छा कर गए थे वो। तो अब मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन से राज्य नंबर वाइज वन बाई वन के किस किस को उसने हड़प नीति के अंतर्गत हड़पा। सबसे पहले सतारा को हड़पा 1848 में, फिर जैतपुर, संभलपुर 1849 में, बाघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854 और अवध 1856। ये सारे के सारे जो है इसने इन्हें हड़पा, और किसी न किसी कारण से इन्हें बता दिया कि जी आप दत्तक पुत्र हैं, आपके पास दत्तक पुत्र है। अगर मैं बात करूं कि इस समय पर ना क्रांति हुई थी 1857 क्रांति, अगर 1857 की क्रांति, क्योंकि अवध 1856 में उसने हड़प लिया, तो उसके बाद कोई भी सबके सब परेशान थे। तो अगर बात करें ना कि 1857 क्रांति, तो उसमें क्रांति का कोई भी मोटिव ये नहीं था कि उन्हें मतलब कोई स्वतंत्रता संग्राम लड़ना था या क्या था, नहीं, सब लोग अपने अपने लड़ रहे थे, कोई आपके लिए लड़ रहा था। झांसी की रानी इसलिए लड़ी क्योंकि उसका राजपाट छिन रहा था, ना कि वो अंग्रेज़ों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम लड़ी। हाँ ठीक है, हम उसे बाद में स्वतंत्रता संग्राम में जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, है ना। तो इसके बाद की बात करूं तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने डलहौजी को किरौली विलय की आज्ञा दी, तो उसने किरौली विलय किया। इसने 1850 में सिक्किम के कुल दूरवर्ती इलाकों को भारत में मिलाया और 1852 में पंजाब पर भी अधिकार कर लिया। गवर्नर जनरल के कार्य के बोझ को कम करने के लिए बंगाल में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की, क्योंकि कार्य बहुत हो गया था, बोझ अधिक हो गया था, और इतना सारा काम कैसे संभाले, और से कहीं जाना भी हो तो अपनी जगह पे किसी को तो छोड़ के जाए, इसलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर भी उसने नियुक्त किया उसके लिए। नेक्स्ट है, इसी के समय में शिमला को भारत में ग्रीष्मकाल की राजधानी बनाया गया। सॉरी, हाँ जी, आज भी अगर बात करें तो ग्रीष्मकाल की राजधानी का पूछें कि राष्ट्रपति के लिए ग्रीष्मकाल राजधानी, तो शिमला ही है ग्रीष्मकाल की राजधानी। तो और इसके कार्यकाल में पहली बार एक सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना हुई, जिसको बोलते हैं PWD, है ना, इसी के काल में हुई। इसी के समय में भारत की पहली रेलवे लाइन 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच तक बिछाई गई, चलाई गई, और पहली विद्युत तार सेवा। देखिए सारे के सारे पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं, प्लीज़ नोट कीजिएगा, डलहौजी का सारा कार्यकाल बहुत काम का है। पहली रेलवे लाइन बिछाई है, मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई 1853 में, विद्युत तार सेवा शुरू की है इसने, और डाक टिकट चलाए हैं इसने, ठीक है ना, ये विशेष है, PWD विभाग का इसने निर्माण किया है, है ना। और शिमला में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया भारत की शिमला को, तो ये इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद हुआ ये कि 1857 का स्वतंत्र संग्राम हो गया, क्योंकि हर 20 साल के बाद जो है एक वो आता था, एक्ट आता था मतलब, और वो 20 साल के लिए रिन्यू होता था। अब हुआ ऐसा कि 1857 में विद्रोह हो गया, कंपनी संभल नहीं पाया, और क्राउन इस समय की सोच रहा था कि किसी भी तरह से एक रास्ता मिल जाए कि हम कंपनी के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से शासन कर सकें, तो वो उसे रास्ता मिल गया। अब हुआ ये कि रानी का शासन शुरू हो गया 1858 से,
1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद 1858 से रानी का शासन शुरू हो गया और बनने शुरू हुए भारत में वायसराय। तो भारत के वायसराय का मतलब था कि वो लोग जो रानी के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पे कार्य कर रहे थे। क्राउन का प्रतिनिधि जो होगा वो भारत में वायसराय होगा। नेक्स्ट पॉइंट, 1800 अधिनियम के द्वारा किस किस को कि 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1858 का अधिनियम पारित किया गया। इसके तहत गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा और यह विद्रोह कैनिंग के समय में ही हुआ था, अर्थात कैनिंग को ही भारत का पहला वायसराय बनाया गया। ठीक है, किसको? जो कैनिंग था उसी को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। डलहौजी के बाद जो आया वो कैनिंग आया और कैनिंग के समय पे ये विद्रोह हुआ। ठीक है ना, अब आगे कैनिंग के बारे में बताते हैं। कैनिंग के साथ क्या हुआ कि 1857 में कलकत्ता बम्बई मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पे की गई। दूसरा क्या किया? दूसरा किया ये कि 1858 की महारानी विक्टोरिया घोषणा के बाद कंपनी का शासन समाप्त होकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सारा का सारा कुछ चला गया। जब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया तो वहाँ से सारा कार्य कौन देखेगा? अब ब्रिटिश क्राउन देखेगा। ठीक है, इसके बाद एक अर्थशास्त्री हुआ है विल्सन। तो ब्रिटिश अर्थशास्त्री विल्सन की सलाह पर भारत में पहली बार 500 रुपये से अधिक की आय पर आयकर लगाया गया। सबसे पहली बार अगर इनकम टैक्स की शुरुआत हुई तो लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग के समय पे किसकी शुरुआत हुई? आयकर की, इनकम टैक्स की। ठीक है, नेक्स्ट है कि कैनिंग के समय पे ही विधवा पुनर्विवाह, तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पास हुआ। दूसरा, भारतीय दंड संहिता जिसको हम आईपीसी बोलते हैं वो भी लॉर्ड कैनिंग के समय पर ही बनाई गई। ठीक है, आगे जो हमारे नेक्स्ट जो आए हैं वो हैं लॉर्ड एल्गिन, और लॉर्ड एल्गिन का जो कार्यकाल है, जो समय है, वो 1862 से 1863 के मध्य है। भावी आंदोलन को दबाया और इसकी मृत्यु पंजाब में ही हो गई। उसके बाद आए सर जॉन लॉरेंस, और सर जॉन लॉरेंस का जो कार्यकाल रहा वो 1864 से 68 तक रहा। और बात करें आगे तो 1856 में भारत एवं यूरोप के बीच में पहली समुद्री टेलीग्राफ सेवा जो शुरू की वो सर जॉन लॉरेंस ने शुरू की। दूसरा, भूटान युद्ध में पराजित किया और संधि की, मतलब भूटान से युद्ध किया और भूटान को युद्ध में हराया और भूटान के साथ एक संधि भी की इन्होंने सर जॉन लॉरेंस ने। नेक्स्ट आया लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो का क्या था कि इसी के काल में सर्वप्रथम जनगणना, भारत की जो जनगणना हुई वो हुई लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल 1869 से 1872, और पंजाब में कूका आंदोलन पंजाब में हुआ। 1872 में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। अगर आपको सभी आंदोलन पढ़ने हैं तो मैंने आंदोलन के ऊपर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के ऊपर एक वीडियो बनाई है दोस्तों, आप उसे ज़रूर देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, और आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आधुनिक भारत के इतिहास में। इसी के समय में अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खां द्वारा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई और नॉर्थब्रुक द्वारा इसमें 10,000 रुपये दान दिए गए थे उस समय पे। तो 10,000 रुपये की रकम बहुत बड़ी रकम होती थी उस समय पे। नेक्स्ट आया लॉर्ड लिटन, और लिटन को साहित्य की दुनिया में ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है। दरअसल अगर लिटन के बारे में आपको बताना चाहूँ तो लिटन ना एक लेखक के तौर पर भर्ती हुआ था, कंपनी के अंदर एक लेखक था, एक क्लर्क के तौर पे भर्ती हुआ था, और क्लर्क होने के बाद ये लेखक भी था। तो ये कवि, उपन्यासकार, निबंधकार, इसमें बहुत सारी थी, और उसके बाद ये यहाँ का गवर्नर जनरल बनने तक मतलब पहुँचा। इसने बहुत ऊंचा मुकाम हासिल किया कंपनी के अंदर रहते हुए। तो लॉर्ड लिटन साहित्य की दुनिया में ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि ओवन मेरेडिथ के नाम से किसको जाना जाता है, तो लॉर्ड लिटन को जाना जाता है। ठीक है, अगला क्या है पॉइंट इसमें कि 1878 में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग की स्थापना की गई, लॉर्ड लिटन के समय पे ही। राजा उपाधि अधिनियम 1876 के तहत महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि दी लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। 1 जनवरी 1877 को
प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। दरअसल दिल्ली दरबार का आयोजन तब होता था जब भी किसी राज्य का विलय होता था इनके राज्य में, तो उस वक्त दिल्ली दरबार का आयोजन करते थे लोग, या कोई भी ऐसा कोई नया कार्य करते थे तब ये दिल्ली दरबार का आयोजन किया करते थे। और क्राउन का कोई भी प्रतिनिधि आता था या स्वयं क्राउन या कोई राजा आता था और तब दिल्ली दरबार लगाया जाता था। नेक्स्ट इसमें सवाल ये इम्पॉर्टेंट है, ये सवाल पूछा जाता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, समझ रहे ना, सवाल है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत भारतीय भाषा के समाचारों को प्रतिबंधित कर दिया गया। दूसरा, सिविल सेवा परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। और तीसरा, 1878 से 80 में द्वितीय अफगान युद्ध हुआ। सही है, याद रखिएगा, काम कीजिए कि लिस्ट बना लीजिएगा, प्रथम अफगान युद्ध मतलब अफगान युद्धों की अलग, आंग्ल मराठा युद्धों की अलग। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसके लिए कोई PDF बना के आप लोगों के लिए डाल दूंगा ताकि आपको सारा कुछ, इतना सारा मैटर इधर उधर से ना ढूंढना पड़े। नेक्स्ट है लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन 1880 से 84 तक रहे और ये भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय गवर्नर जनरल रहे हैं। इसने नगर में नगरपालिका का गठन किया। इसने मैसूर को उसके पुराने शासक को वापस कर दिया। प्रथम व्यवस्थित जनगणना इसी के काल में 1881 में की गई। यही पूछा जाता है, ये मेन है, व्यवस्थित जनगणना की बात करूँ 1881 से ये जनगणना शुरू हुई और इसी के काल से 1881 से पहला फैक्ट्री अधिनियम भी आया। इसी के, देखो सीधी बात है, क्या क्या शुरू किया, जनगणना शुरू की 1881 में, फैक्ट्री अधिनियम 1881 में आया, 1882 में प्राथमिक शिक्षा से संबंधित हंटर आयोग। दरअसल दो हंटर आयोग हुए हैं, एक हंटर आयोग शिक्षा में और दूसरा हंटर आयोग जलियांवाला कांड के लिए जो कमेटी बैठी थी, समिति, वो भी हंटर आयोग ही थी, क्योंकि इनमें दोनों में जो अध्यक्ष थे वो सर हंटर थे, इसीलिए उनके नाम पे इनका नाम हंटर आयोग रहा। नेक्स्ट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इसने समाप्त किया और इसी के समय पे एक बिल आया, इल्बर्ट बिल विवाद। इसी विवाद के कारण आपने कार्यकाल से पूर्व ही रिपन को पद से त्यागपत्र देना पड़ा। नेक्स्ट आए लॉर्ड डफरिन। और लॉर्ड डफरिन की बात करूं तो इसके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी कांग्रेस की स्थापना, बल्कि यहां तक कहा जाता है कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। अंग्रेजों ने कांग्रेस को सेफ्टी वॉल के रूप में तैयार किया था, लेकिन ये संस्था आगे जा कर के बहुत बड़ी हो गई, क्योंकि इनको लगता था कि 1857 जैसी क्रांति दोबारा नहीं होनी चाहिए, इसलिए इन्होंने सोचा कि कोई ऐसा दल बनाया जाए जो भारतीय लोगों की परेशानियां या भारतीय लोगों में होने वाले रोष की जानकारी मिलती रहेगी और किसी प्रकार का अगर कोई दोबारा से ऐसा विरोध होता है तो उसे वक्त से पहले दबा दिया जाएगा। इस कारण से कांग्रेस की स्थापना की थी, पर यह नहीं पता था कि ये लोग क्या करेंगे, ठीक है ना। और कांग्रेस को तो पता नहीं किस किस नाम से उस वक्त जाना गया था, अल्पसंख्यक और पता नहीं क्या क्या। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय स्त्रियों की रक्षा हेतु लॉर्ड डफरिन फंड की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट, 1885 में बर्मा के तीसरे युद्ध में बर्मा को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य मिलाया और 1857 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की किसी इंसान ने। नेक्स्ट आए लॉर्ड लैंसडाउन। लैंसडाउन की बात करूँ तो 1889 में प्रिंस वेल्स आगमन इसी काल में। दरअसल प्रिंस वेल्स आए, और प्रिंस वेल्स कब आए, प्रिंस वेल्स आए हैं 1889 में। प्रिंस वेल्स से क्या मतलब है, दरअसल ऐसा है जो ग्रेट ब्रिटेन है वो चार राज्यों के मिलके बनता है, ठीक है ना, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नीदरलैंड, मतलब ये, मतलब एक राज्य और है, ये चार लाख मिला के ना ये ग्रेट ब्रिटेन बनता है, तो वेल्स उन्हीं में से एक था। और 1891 में दूसरा फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ। 1893 में भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा का निर्धारण किया गया। नेक्स्ट आए लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। और इन्होंने क्या किया कि लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने, इसने घोषणा की कि हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है और तलवार के बल पर ही इसे अधीन रखेंगे। इसी समय पर मुंबई में प्लेग फैल गया और स्वामी विवेकानंद द्वारा वेल्लूर में रामकृष्ण मिशन और मठ की स्थापना की गई लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय पे ही। कार्यकाल रहा 1894 से 1899। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन। 1899 से 1905 ये भारत का सर्वाधिक
अलोकप्रिय शासक साबित हुआ। यह इतिहास में पुरातत्व का विद्वान था। इसने भारत में प्राचीन स्मारकों की मरम्मत हेतु 50,000 पाउंड निश्चित किया। इसके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना 1905 का बंगाल का प्रथम विभाजन था। याद रखिएगा, सवाल पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन किसके समय पर हुआ, तो बंगाल विभाजन हुआ लॉर्ड कर्जन के समय पर, कार्यकाल 1899 से 1905, ठीक है, और 1905 में ही बंगाल विभाजन हुआ। नेक्स्ट आगे 1902 के सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। 1930 में इसने पुलिस विभाग में CID क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की स्थापना भी इसी ने की। दूसरा, 1930 में इसने कहा था कि वायसराय पद से निवृत्त होने के बाद वह कलकत्ता निगम का महापौर बनना पसंद करेगा। ये इसका अपना खुद का मत था। नेक्स्ट आए लॉर्ड मिंटो द्वितीय। मिंटो दो आए, एक मिंटो फर्स्ट, एक मिंटो सेकंड। तो मिंटो सेकंड हैं, और मिंटो सेकंड में क्या हुआ, इनका कार्यकाल रहा 1905 से 1910, और इनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटना जो है 1906 ढाका मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो इनके कार्यकाल की मुख्य घटना रही है। दूसरा, इसी के कार्यकाल में क्या हुआ, इसी के कार्यकाल में 1907 के कार्यकाल में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। दरअसल नरम दल और गरम दल, ये दोनों के दोनों अलग हो गए। लाल बाल पाल की तिकड़ी गरम दल में आती थी और कांग्रेस के और लोग नरम दल में आते थे, और विचार ना मिलने के कारण कांग्रेस में फूट पड़ गई और 1907 में सूरत की एक अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। 1907 में एनी बेसेंट द्वारा थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्षता की गई। दूसरा, 1909 को लंदन में मदनलाल ढींगरा द्वारा कर्जन वायली की हत्या कर दी गई। जो मदनलाल ढींगरा हैं उन्होंने कर्नल वायली की हत्या कर दी 1909 में। ये भी इन्हीं के समय पे हुआ, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के टाइम पे ही। नेक्स्ट है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, जो 1910 से 1916 रहे। करीब अगर एक एक्यूरेट समय देखेंगे तो करीब 5 साल का समय सबका रहा है। और इसी के समय में 1910 में इंग्लैंड के राजा एडवर्ड तृतीय की मृत्यु और जॉर्ज पंचम का राज्याभिषेक हुआ। लॉर्ड हार्डिंग के समय पे जॉर्ज पंचम वो बने राजा। अगली बात, 1911 के तृतीय दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक की घोषणा और बंगाल विभाजन निरस्त हुआ। इसके अतिरिक्त राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने घोषणा की गई। और 1912 में राजधानी स्थानांतरण और लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किया गया जो कि असफल रहा। इसी के समय पर प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ लॉर्ड हार्डिंग के समय पर, और महात्मा गांधी जी भारत वापस आए 1915 में ही। उस वक्त ये ही गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है 1916 में मदन मोहन मालवीय, गवर्नर जनरल नहीं तो वायसराय है ना सारे के सारे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ये वायसराय थे, क्योंकि जब ये अपनी सीट पर बैठते थे जब इंग्लैंड के प्रशासन को या अपनी कंपनी के शासन को संबोधित करते थे तो ये होते थे गवर्नर जनरल, और जब ये किसी राजा के यहाँ जाते थे प्रतिनिधि बन करके तो होते थे वायसराय। अब महात्मा गांधी जी 1915 में, 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा कि 1916 में मदन मोहन मालवीय जी द्वारा बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट आए लॉर्ड चेम्सफोर्ड, और इनके समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई क्या कि 13 अप्रैल 1919 को जलियावाला बाग हत्याकांड। क्या हुआ, जलियावाला बाग हत्याकांड इनका हुआ 1919 को। और इसी के समय पर खिलाफत और असहयोग आंदोलन की भी शुरुआत हो गई। होम रूल लीग की स्थापना इसी के समय पर हुई, और 1916 में D.K. कर्वे द्वारा पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1916 में पूना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो D.K. कर्वे ने की। कलकत्ता विश्वविद्यालय के जांच के लिए 1917 में सैंडलर आयोग की नियुक्ति की गई, और 1919 का रॉलेट एक्ट पारित हुआ। इसी के समय प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना हुई। द्वैत शासन का मतलब ये था कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों अलग अलग होंगी, शक्तियाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में निहित होंगी और वही स्टेट गवर्नमेंट को निर्देश भी देगी। तो ये भी एक तरह का द्वैत शासन होता है। ये शुरू हुआ 1919 में रॉलेट एक्ट के थ्रू। नेक्स्ट है पहली बार भारतीयों को ब्रिटिश सेना के कमीशन पद हेतु सक्षम माना गया, और SP सिन्हा को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया। ये पहला पॉइंट है, इसे याद रखिएगा कि सबसे पहला
भारतीय गवर्नर जो किसी भी प्रेसिडेंसी का रहा हो या किसी जगह का रहा हो, तो बिहार का सबसे पहला गवर्नर जो बना वो पी सिन्हा, एस पी सिन्हा को बनाया गया। नेक्स्ट है लॉर्ड रीडिंग आए, और लॉर्ड रीडिंग के समय पे क्या हुआ, केरल में मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह फिर फेमस है बहुत ज़्यादा। मोपला दरअसल मुस्लिम किसान थे, और मुस्लिम किसानों ने इस विद्रोह की शुरुआत की थी, और प्रिंस वेल्स ने भारत की यात्रा की थी इसी समय पे, ठीक है। और 9 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र भी हुआ लॉर्ड रीडिंग के समय पे। आर्य समाजी नेता श्रद्धानंद की हत्या भी कर दी गई इसी समय पे। तो इसमें जो मुख्य पॉइंट है, एक तो मोपला विद्रोह याद रखिएगा, मोपला विद्रोह का सवाल आता है कि कहाँ पे हुआ, तो केरल में हुआ। काकोरी कांड बहुत महत्वपूर्ण है, काकोरी कांड में लूट हुई थी, तो काकोरी कांड भी हुआ इसी के समय पे, और आर्य समाजी नेता श्रद्धानंद की हत्या भी इसी के समय पर हुई। नेक्स्ट आए लॉर्ड इरविन, इनके समय पर ना साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई, और गांधी जी ने भारत को 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ की। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 1926 से लेकर के 1931 तक का है, लॉर्ड इरविन का कार्यकाल। दूसरा, इसके समय पर ना साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई, और गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ करी, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। अगली बात यह है कि 1828 में कृषि से संबंधित रॉयल कमीशन की नियुक्ति हुई। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका गया। अगर आपको इसकी बात सही से बताऊं, तो अगर आज भी आप संसद भवन में जाकर के बैठेंगे तो उस खंभे को ऐसे ही छोड़ा गया है जिस खंभे के ऊपर वो बम टकराया था, उसके अंदर जो टूट फूट हुई है उसे वैसे के वैसे रखा गया है, जो कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो बम फेंका था। अब आगे बात करें तो 1929 के कांग्रेस और लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। किसने किया, ये किसके समय पर हुआ, लॉर्ड इरविन के समय पर, 1926 से 1931। नेक्स्ट आए लॉर्ड वेलिंगटन, तो लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936 तक रहे, और इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसी के तहत वायसराय को पुनः गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। देखो अब समझ में आ रही है ना बात, वायसराय फिर से गवर्नर जनरल हो गया। और 16 अगस्त 1932 की घोषणा में मैकडोनल्ड अवार्ड की घोषणा की गई, और 1943 में सैविन्य अवज्ञा आंदोलन का समापन हुआ। 21 जनवरी 1936 को जॉर्ज पंचम की मृत्यु और एडवर्ड अष्टम का राज्यारोहण हुआ। ये भी लॉर्ड वेलिंगटन के समय पे ही हुआ कि जॉर्ज पंचम की मृत्यु हुई। समय 21 जनवरी 1936 याद रखिएगा। हमारा जो गणतंत्र दिवस होता है 26 जनवरी को होता है, और लॉर्ड वेलिंगटन की मृत्यु हुई थी 21 जनवरी को। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1944 तक, 22 दिसंबर को मुस्लिम लीग के मुक्तिदाता के दिवस मुक्तिदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोबारा सुन लीजिए, 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। ये सवाल आता है कि सुभाष चंद्र बोस ने जो किस चीज़ का गठन किया है, या ऐसी कौन सी संस्था बनाई थी, तो फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से उन्होंने एक संस्था बनाई थी जो कि यूथ्स के लिए थी। क्योंकि उस समय अगर जवानों की बात करूँ तो कांग्रेस में केवल दो ही जवान दिखाई देते थे, या तो जवाहरलाल नेहरू और या फिर सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। 1943 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ। नेक्स्ट आए लॉर्ड वेवल, और 25 जून 1945 को वेवल ने शिमला सम्मेलन बुलाया। 1945 में लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। ये सवाल आता है किस समय पे था, तो क्लीमेंट एटली इस समय प्रधानमंत्री थे 1945 में। नेक्स्ट नवंबर 1945 में आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर लाल किले का मुकदमा चलाया गया। 18 फरवरी 1940 को बंबई में नौसैनिकों द्वारा विद्रोह हुआ। 19 फरवरी 1940 को कैबिनेट मिशन घोषणा हुई, और 24 मार्च 1940 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। जुलाई 1940 में संविधान सभा का गठन, और 9 दिसंबर 1940 को इसकी प्रथम बैठक हुई। 2 सितंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। 20 फरवरी को क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण कर दिया जाएगा। अब अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल जो थे
वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। कार्यकाल 1947 से 1948। उन्हें केवल यहाँ पे विभाजन करने के लिए भेजा गया था, जो विशेष कार्य था, क्योंकि उन्हें बहुत लंबा एक्सपीरियंस था किसी भी देश में जाकर के विभाजन का, या उस देश को, मतलब किसी भी देश को उसकी संप्रभुता छोड़ के आने में जो योगदान था वो लॉर्ड माउंटबेटन का था। उसने बहुत जगह पर इस तरह का कार्य किया था, इसलिए इसी को यहाँ पर भी भेजा गया। और 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की घोषणा की गई। इसके तहत भारत का विभाजन होना था। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र कर दिया गया और माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। उसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 से 1950 तक गवर्नर जनरल रहे। इसमें दो सवाल आते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, और स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है। और ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद भारत में गणतंत्र की स्थापना हो गई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया और गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों ये थी वीडियो हमारी सारी की सारी गवर्नर जनरल और उनसे संबंधित कार्यों से लेकर के। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ये इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि पढ़ने वाले लोग इस बात का फ़ायदा उठा सके, इससे कोई यूटिलाइज़ हो सके वीडियो ये, ठीक है दोस्तों। तो मेरा वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।